अभी ओलंपिक्स में आप खेलने जा रही हैं, फर्स्ट ओलंपिक्स है, तो अभी क्या चल रहा है मन में? सबका एक जैसे गोल होता है कि हमेशा हमें मेडल लेना है, वैसे ही हमारी टीम का भी एम है कि हमें मेडल लेना है, और जितना भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं अपना बेस्ट देना है, इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं होता। और जैसे मेरा पहला ओलंपिक्स है और मुझे बहुत एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कभी भी नीदरलैंड के साथ नहीं खेली, मैं फर्स्ट टाइम खेलूंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी टीम भी बहुत अच्छा करेगी। कैसा माहौल होता है जब आप सब साथ में होते हो, जब फील्ड पे या चेंजिंग रूम में स्ट्रेटजी होती है, नोकझोंक होती है, कैसा कैसा रहता है? हम लोग चेंजिंग रूम में जाते हैं, सॉन्ग्स वगैरह लगे होते हैं, कोई डांस कर रहा होता है, कोई किस जिसको नहीं आता वो देख रहा होता है। मैं से पहले अपना फन एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहते कि जो कोई स्ट्रेस है या कुछ भी ऐसी चीज है वो हम ग्राउंड पे लेके ना जा सके, अपनी वो चीज को वहीं छोड़ के अपना पूरा फोकस है जो अपने मैच पे कर सके। जी थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी जो बैकग्राउंड रही है, किस गांव से हैं? जैसे मैंने सुना आपकी इतना स्कूल दूर था कि आपके फादर सुबह आ जाते थे, फिर शाम तक वहीं रहते थे ताकि आपको वापस ले जाएं। मैं और मेरी सिस्टर दोनों स्कूल जाते थे, और मेरा जो पिंड है वो म्यादिया किला है, बॉर्डर एरिया के पास, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर पाकिस्तान के बॉर्डर। पास। जी, पेरेंट्स का हमेशा ये था कि अच्छी स्टडी करें, अपनी लाइफ में सेट हो, क्योंकि हमारी साइड में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी की जाती है, इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। तो उसके बाद वहां जाके जस्ट हम स्टडी के लिए गए थे, हमें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वहां जाके जब देखा लड़कियों को खेलते हुए तो बड़ा अच्छा लगा और मन किया कि हमें भी खेलना, और पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने पूरी सपोर्ट की कि आपका मन है तो आप खेलिए, हम पूरी सपोर्ट करेंगे। तो तब से फिर खेलना भी शुरू कर दिया साथ में। एक सवाल जो मैं मुझे सबसे पूछती हूँ कि अगर ओलंपिक में मेडल आता है तो सबसे पहला क्या, मतलब क्या करना चाहोगे तब? आई थिंक मेडल लेने के बाद एक इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट जरूर होगी, क्योंकि काफी कभी भी लड़कियों का हॉकी में मेडल नहीं आया ओलंपिक्स में, एक वो हिस्ट्री क्रिएट होगी और बहुत अच्छा फील होगा कि हैं, और जो आने वाले जनरेशन उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और स्पेशल जैसे हॉकी में मेडल आया है ओलंपिक्स में, क्योंकि कभी भी हॉकी में ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया गर्ल्स का। आप हॉकी टीम में सिर्फ अकेली खिलाड़ी हैं जो पंजाब से हैं, और एक टाइम पे पंजाब को हॉकी का काफी वो माना जाता था कि बहुत आगे है, तो आपको क्यों लगता है कि अभी इसे हॉकी में कम से कम उतना नहीं हो पा रहा है पंजाब में जितना पहले होता था? मुझे ऐसे लगता है कि जो बहुत कोचों की कमी है पंजाब में, क्योंकि बहुत से जो एकेडमीज हैं जहाँ विंग्स हैं वो बिल्कुल भी बंद हो चुके हैं सारे ऑलमोस्ट पंजाब में, क्योंकि उसकी वजह से लड़कियां ना तो खेल पा रही हैं ना हॉस्टल में, क्योंकि लड़कियों के रहायश के लिए एक हॉस्टल होना बहुत जरूरी है, एक कोच की जिम्मेवारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब में अभी कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि इतने कोच इनफ हैं कि लड़कियों की अकेडमी या फिर उनके विंग तैयार किए जा सके। तो मेरे को लगता है कि पंजाब में ये चीज होनी चाहिए।